फीस्ट भाई पूरे बॉलीवुड हो, मतलब मूवी से इंस्पायर होके अच्छे से रूम टूर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, यही मैंने पिछला व्लॉग खत्म करा और यही चालू कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी देख रहे हो। होपफुली अपलोड भी जल्दी कर दूँ, बट हाँ करूंगा मैं, बिकॉज बहुत कुछ प्लान आउट करा हुआ है मैंने। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड इफ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर देन वेलकम बैक। मैंने पहले वेलकम बैक बोला था। यार मेरा ना टंग ट्विस्टर चलता रहता है, आधा आधा भूलने वाला सीन, तो ठीक है, दैट्स हाउ आई एम। मैं याद करके वैसे नहीं बोल सकता, और जब मैं बिना याद करके बोलता हूँ या बिना सोचे समझे बोलता हूँ तो मैं कुछ भी बोलता हूँ, तो समझ जाओ ठीक है। सो या कमिंग एंड टॉकिंग टू माई व्लॉग, पिछला व्लॉग नहीं देखा तो देख लो, टैग कर देता हूँ, अगर देख लिया तो पता होगा मैं कहीं जाने वाला था। कहाँ जाने वाला था? सो मैं जाने वाला हूँ मुंबई, इट्स अ वर्क ट्रिप, मतलब काम से रिलेटेड जा रहा हूँ मैं, बट ऑब्वियसली आई एम गोना एक्सप्लोर अ लॉट एंड देखते रहोगे व्लॉग में आप, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ सोचा हुआ है कि ये करेंगे। अब दैट डिपेंड्स कि मेरे वर्किंग टाइम्स वहाँ क्या रहते हैं, वर्किंग एज इन जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो मीटिंग्स वगैरह कितने टाइम पर रहेंगी, क्या रहेंगी, इट डिपेंड्स। सो आप टू वो सब वहाँ जाके पता लगेगा, ये नहीं वहाँ जाके इकट्ठा हो जाए, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक सम टाइम आउट एंड लेट्स सी, होपफुली अच्छा हो। सो अगर मैं चैनल पर नहीं हूँ तो सारा कप वट एवर प्लीज सब सर, आई वॉन्ट टू रीच 1 million। कमिंग बैक टू द व्लॉग, चेकिंग डन, मतलब बोर्डिंग पास, नो, हमें बैग करवाना है। सो एवरीथिंग इज डन, चेक इन वर्क इन सब कुछ, लगेज एंड ऑल, एंड इट्स लाइक 5:45 राइट नाउ। मैं सोच रहा हूँ बैठने से बेटर है लेट्स एक्सप्लोर द एयरपोर्ट, कहाँ से जाए, हाँ यहीं से चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। मैं ना बस 1.5 घंटा सो रहा हूँ एंड आई एम सो स्लीपी राइट नाउ, सो स्लीपी आई कांट इवन टेल यू। कुछ नहीं मिला मुझे, आई हैव टू जस्ट कॉल द फोन लाइक। अक्षय कुमार की मूवी में कौन सी मूवी? इंस्पेक्टर जानवर। अच्छा, इंस्पेक्टर प्रधान को बोलता है, किस्मत बनी नहीं खुद बनाया। हाँ, तो वही सीन सो लेके मेरी लाइफ टूट गई। तो तुमने वहाँ से रिक्शा चलाने मुंबई आने का सोचा था? हाँ, वही सोच। तो रिक्शा चलाने आए थे या पहले कुछ और? नहीं, पहले तो ऐसा मतलब डायरेक्टली थोड़ी मिले। तो पहले क्या करते थे? आया थोड़ा होटल में किया। अच्छा, मतलब तुम्हारा ये था मुंबई आना है। हाँ, बढ़िया है। मूवी तुम तो पूरे बॉलीवुड हो, मतलब मूवी से इंस्पायर होके अच्छे से तो अभी जो तुम्हारी जैसी बात कर रहा था ये वाली, तो ये डाल दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डाल दो ना भैया से, इतनी बातें कर रही थी, मैं इतनी बातें कर रहा था भैया से। सो मैं डायरेक्ट ऑफिस चला गया था एंड ऑफिस से 7 बजे आया हूँ मैं, तो अब होटल आया हूँ, लेट मी शो यू। सो आई एम इन द होटल एंड लेट मी शो यू,
द रूम, मतलब रूम टूर। एंड कैबिनेट के साथ ही टीवी, टीवी के साथ तो एक छोटा सा यहाँ डस्टबिन वगैरह, मतलब डस्टबिन वगैरह यही वॉशरूम है। वॉशरूम की इधर बेड, साइड टेबल, साइड टेबल इसी तरफ लगा हुआ है, इधर रख दिया था। फिर हम आते हैं दस्ती वॉशरूम, वॉशरूम में क्या लेना, छोटा सा है, स्वीट है, लाइक छोटा सा स्वीट सा है, आई लाइक इट, लाइक मुझे सही लग रहा है छोटा सा क्यूट सा। आई एम हंगरी, सो रेदर देन ऑर्डरिंग इन द होटल मैंने सोचा कि लेट्स ऑर्डर समथिंग, नॉट ऑर्डर बट एक्सप्लोर समथिंग आउट। मुझे बाहर कुछ समझ नहीं आया तो मैंने फिर जोमेटो करा एंड आई गॉट अ थाली। अब लेट मी ओपन दिस, तो कुछ जुगाड़ करता हूँ। सो वी हैव दाल, शाही पनीर, आई गेस मिक्स वेज, चावल, रायता, रोटी एंड अनियन, चटनी। सो गाइज मैं चेंज वेंज कर चुका हूँ, सो आई एम डन विद द डिनर एज वेल एंड दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग एंड होपफुली व्लॉग पसंद आया होगा आपको, दिल्ली टू मुंबई, एंड अच्छा लगा होगा तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मिलता हूँ अगले व्लॉग में, टिल देन।